हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस बैंड पंप। आज हम बात करेंगे बैंड पंप की। बैंड पंप कैसे काम करता है, बैंड पंप के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। बैंड पंप आर कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल पावर स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल एंड ऑल्सो यूज इन एयर कंडीशनर। बैंड पंप हमारी कॉमनली जो होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पावर स्टेयरिंग जो गाड़ियों की पावर स्टेयरिंग होती है उसके अंदर बैंड पंप का यूज किया जाता है एंड ऑल्सो यूज इन एयर कंडीशनर। जो हमारे एसी होते हैं, एयर एसी के अंदर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगी रहती है, मोटर के आगे लगा रहता है बैंड पंप। एसी के अंदर कंप्रेसर में बैंड पंप का यूज करते हैं। क्लियर सर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका देख लेते हैं। The bend pump is not good for a highly viscous fluid. Bend pump का use वहाँ उधर नहीं करते हैं जिधर viscosity fluid का viscosity high हो। क्लियर सर? फ्लूड का विस्कोसिटी हाई होने की वजह से उस जगह पे बैंड पंप का यूज नहीं करें। वैन पंप इज नॉट गुड फॉर हाई विस्कोसिटी फ्लूड। वैन पंप हाई विस्कोसिटी फ्लूड के लिए कंफर्टेबल नहीं है। क्लियर सर? नेक्स्ट पॉइंट, वैन पंप कैन हैंडल मॉडरेट विस्कोसिटी फ्लूड। इसका क्या मतलब है आपका? वैन पंप कैन हैंडल मॉडरेट का मतलब होता है आपका मीडियम विस्कोसिटी फ्लूड को, फ्लूड को लिए बेटर है। आपका हाई के लिए बेटर नहीं है, मीडियम लो के लिए अच्छा है। एंड दे आर एक्सीलेंट फॉर हैंडलिंग लो विस्कोसिटी फ्लूड। आपका क्या कह रहा है? दे आर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा हैंडल करता है लो विस्कोसिटी फ्लूड को। लो विस्कोसिटी फ्लूड होता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है, लाइक एलपीजी गैस, अमोनिया, सॉल्वेंट, इसी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इट इज आल्सो यूज टू कन्वर्ट हाई प्रेशर गैस टू लो प्रेशर गैस। ये हमारा हाई प्रेशर गैस से लो प्रेशर गैस को भी कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर फ्रेंड? ये इसका सक्शन पोर्ट दे रखा है, ये आपका डिलीवरी पोर्ट दे रखा है वैन पंप। क्लियर? ये आपका 3D व्यू है, इसमें सक्शन है, ये डिलीवरी है। इसके अंदर ये रोटेटर दे रखा है, ये आपका स्लाइड पीस दे रखा है और इसका ये ड्राइव पंप। आगे कंपोनेंट जानते हैं। ये वर्किंग है, वर्किंग कैसे होती है इसके पहले कंपोनेंट देख लो। इनलेट पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट है। क्लियर? ये स्प्रिंग दे रखी है, ये शाफ्ट दे रखी है, ये रोटेटर दे रखा है, ये स्लाइडिंग वेंट्स दे रखे हैं, ये स्लॉट्स दे रखे हैं, ये केसिंग दे रखा है और ये हमारा कैम दे रखा है। अब इसकी वर्किंग देखते कैसे काम करता है। सारी पंप आपको पता है कि वैक्यूम पीरियड होता है तभी सक्शन होता है, तभी वो डिलीवरी दे पाती है। अदरवाइज वैक्यूम पीरियड नहीं होगा पंप के अंदर तो डिलीवरी नहीं दे पाएगी। अभी इसमें वैक्यूम कैसे क्रिएट हो रहा है वो मेन प्रिंसिपल है। सारी पंपों का बस एक ही कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वो वैक्यूम क्रिएट कर रही है। लाइक गियर पंप, गियर के थ्रू वैक्यूम क्रिएट कर रही है। बैंड पंप है, बैंड किस तरीके का बैंड है, बैंड है, उनके अकॉर्डिंग वैक्यूम क्रिएट कर रही है। हम जानते हैं बैंक क्या है। ये जो आपको स्लाइड दिख रहे हैं उनको स्लाइडिंग बैंक बोलते हैं। स्लाइडिंग बैंक के थ्रू ये वैक्यूम क्रिएट कर रही है। अब कैसे कर रही है? ये रोटेटर दे रखा है, रोटेटर कनेक्ट रहता है ड्राइव शाफ्ट से, ड्राइव शाफ्ट को पावर मिलती है, रोटेटर मूवमेंट करता है। रोटेटर के चारों तरफ बैंक लगे रहते हैं। बैंक एक स्प्रिंग से स्प्रिंग लोडेड बैंक होते हैं, सब में स्प्रिंग होती है। विदाउट स्प्रिंग बैंक पंप नॉट नहीं काम करेगा ठीक से। सारे बैंक स्प्रिंग लोडेड होते हैं, जो आपको स्प्रिंग देख रही होगी इसमें स्प्रिंग लोडेड है। जैसे ही रोटेट होता है जो आपका कैम रिंग है वो आपका इलिप्स शेप में होता है। कैम रिंग इलिप्स शेप में होता है।
जैसे ही इलिप्स बैलेंस मूवमेंट करते हैं, इलिप्स शेप में होने की वजह से बैलेंस एक साइड प्रेशराइज हो जाते हैं, एक साइड ओपन हो जाते हैं। जिधर ओपन होते हैं उधर सक्शन करते हैं, और जिधर कंप्रेस होते हैं उधर डिलीवरी करते हैं। ये बैलेंस का रोल। ये फ्रेंड जिधर आप एक्सटेंड हुए उधर से सक्शन करेंगे, और जिधर कंप्रेस हो गए उधर से डिलीवरी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मॉडल किस तरीके से होते हैं, मॉडल क्या कहेंगे। ये आपका 3D व्यू हो गया, ये आपका इस टाइप का बैंक पंप होता है नॉर्मली मार्केट में जो मिलता है। ये आपको 3D व्यू दिख रहा है, इसमें ये साफ दे रखी है, ये रोटेटर दे रखा है, इसके अंदर फ्लैट बैंक दे रखे हैं, ये रोटेटर का आपकी इनलेट पोर्ट, ये आउटलेट पोर्ट। ये सर हम देखते हैं यूज ऑफ बैंक पंप। बैंक पंप का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बैंक पंप का हम उधर यूज करते हैं। एक तो विस्कोसिटी मीडियम और लो में करते हैं। दूसरा अब बैंक का प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल बैंक नॉर्मल रहता है अप टू 150 bar, 150 bar से ज़्यादा नहीं रहता है, 150 bar तक ही हम बैंक पंप का प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यूज करते हैं। फ्लो लो और हाई रहता है, 100 liter पर मिनट इसका मैक्सिमम फ्लो। क्लियर सर। प्रेशर फ्लक्चुएशन बहुत कम मात्रा में प्रेशर का फ्लक्चुएट होता है, प्रेशर फ्लक्चुएशन नहीं होता इसमें। सेंसिटिविटी मोर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बहुत है इसकी। कंट्रोल कंट्रोलर है इसके, प्रेशर कंट्रोलर भी है और आपका फ्लो कंट्रोलर भी है, दोनों कंट्रोलर है। इफिशियंसी क्या है इस पंप की, 65-80% इफिशियंसी दिखता है इस टाइप की पंप की, 65-80% तक इफिशियंसी होती है एज कम्पेयर टू गियर पंप। बहुत कम इफिशियंसी हमारे गियर पंप की इफिशियंसी 92% होती है, जबकि बैंड पंप की 65-80%। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।